वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को लपेटे में लिया। करनाल पहुंचे सीएम ने कहा कि कांग्रेस परिवार पहचान पत्र और पोर्टल सिस्टम को बंद करने की बात कहती रही है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के हित में बनाई गई प्रत्येक नीति का विरोध किया। राहुल गांधी अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कह रहे हैं तो कांग्रेस के नेता पोर्टल सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। देश की जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी और वो विपक्ष में भी नहीं रहेंगे। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने जो नरेंद्र मोदी जी नीतियां बनाई है, जो योजनाएं लेकर के आई है, उन सब का विरोध किया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप तो कभी इस प्रकार का सोचा नहीं, न कभी उन्होंने इस प्रकार का किया है। अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है, कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आती है, कांग्रेस विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी जी देते हैं, राहुल गांधी विरोध करता है, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। एक भी योजना ऐसी बता दो जो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए जिसका उन्होंने विरोध ना किया, और हर योजना का विरोध किया है। और इसके अंदर भी ये लोग जो अच्छे काम होते हैं उसके अंदर भी, और इनको सबक सिखाने का काम देश की जनता करेगी, ये विपक्ष के अंदर भी नहीं रहेंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की विधानसभा की सीटें, 11 कमल फूल करके एक शुभ संकेत हरियाणा की जनता देने वाली है। 10 नरेंद्र मोदी जी के पास, 1 चंडीगढ़ में भेजने।